Hi students, welcome back in the second part of today's lecture. As the first part of today's lecture, we discussed the linear equation in two variable and exercise 4.1. Now we have exercise 4.2. In exercise 4.2, our first question, we have equation y is equal to 3x plus 5. That's our equation, and we have to find that we have three options: a unique solution, only two solution, infinitely many solution. उनमें से इसका कौन सा solution है आपने ये बताना है. तो देखिए solution का क्या मतलब है, we have two variables x and y. In that condition we put the value of x and we get the value of y. We prepare a table. In that condition, x is independent variable. X is independent variable and y is dependent variable. What is the mean of independent and dependent variable? Means x independent मतलब उसकी वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन y की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू जो हम पुट करेंगे उसके बेस पे आएगी. दैट्स वाई y इज डिपेंड ऑन x, इसलिए हम y को क्या कह रहे हैं, वो डिपेंड है y पे. दैट्स वाई वी से y इज ए डिपेंडेंट. अब यहाँ इस इक्वेशन में आप देखेंगे, इन दैट इक्वेशन we put values of x 0, 1, 2, 3, 4, we put x equal to 0. 0 put कर दिया, y we get y is equal to 5. Solve करके देखेंगे, 0 हो गया, y 5 हो गया. We put x equal to 1, x की value 1 रखेंगे, y की value 6 आ गई, 6 no, y की 8 आ गई. ऐसे ही 2, 3, 4 and up to infinity हम रखते जाएंगे, y की value हमें infinity तक मिलती जाएंगी. तो इस इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, थर्ड जो ऑप्शन है हमारा वो ट्रू है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. बहुत सारे असंख्य सॉल्यूशंस हो सकते हैं. नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर टू. राइट फोर सॉल्यूशन ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब आपको मैंने सॉल्यूशन निकालना सिखाया इस तरह से, देखिए आपने निकाल के देखे सॉल्यूशंस. अब हर एक इक्वेशन के आपने फोर सॉल्यूशन निकालने हैं, फोर सॉल्यूशन निकालने हैं. फर्स्ट पार्ट है 2x plus y equal to 7. फर्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है, अब इसके फोर सॉल्यूशन आपने फाइंड करने हैं, एक्स वाई फोर सॉल्यूशन. मीन्स एक्स की चार वैल्यू रखेंगे, कोई भी चार वैल्यू रखें, ऐसा है ऐसी वैल्यूज रखें जिससे कि वाई की वैल्यू ठीक आ सके, पॉइंट्स में फ्रैक्शंस में ना आए. फर्स्ट ऑफ ऑल वाई की वैल्यू, अगर एक्स की वैल्यू अगर हम जीरो पुट कर दें, वी पुट एक्स इक्वल टू जीरो, वाई हमें क्या मिल गया, ये पूरा जीरो हो गया, वाई क्या मिल गया हमको, सेवन मिल गया. एक्स की वैल्यू वन रखेंगे, टू उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू फाइव आ जाएगी. एक्स की वैल्यू वन, वाई की वैल्यू फाइव. एक्स की वैल्यू टू रखेंगे तो मल्टीप्लाई हो गया, फोर हो गया, उधर जाके वाई की वैल्यू थ्री आ गई. एक्स की वैल्यू आप फाइव रख दें, एक्स की वैल्यू अगर हम फाइव रख दें तो ये टेन हो गया, उधर जाके सब्ट्रैक्ट होएगा, नेगेटिव के कारण माइनस थ्री आ जाएगी. इस तरह से आपने चार सॉल्यूशंस इसके निकालने हैं. सेकंड पार्ट थोड़ा इससे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें एक अजीब सा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, पाई. पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू नाइन. पाई से घबराने की जरूरत नहीं है, आंसर जो है वो पाई की फॉर्म में आ जाएगा. अब देखिए कुछ बच्चे जो हैं पाई रूट, स्क्वायर रूट, इन क्यूब रूट, इनको देखकर बहुत घबराते हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है. सॉरी, देन पुट एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू नाइन. एक्स की वैल्यू जीरो रखते ही वाई की वैल्यू क्या आ गई, नाइन आ गई. इफ यू पुट एक्स इक्वल टू वन,
तो y की वैल्यू क्या आएगी, पाई उधर चला जाएगा, वी गेट 9 माइनस पाई. ओके, वी पुट x की वैल्यू 2, वी गेट 9 माइनस 2 पाई. देखिए देखने में थोड़े से नंबर अजीब लगते हैं क्योंकि आप इन नंबर से अभी फैमिलियर नहीं हैं. सिमिलरली x इक्वल टू 3, 9 माइनस 3 पाई. ओके, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. आज का आपका होमवर्क रहेगा, टुडेज होमवर्क इज डू एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट एंड एक्सरसाइज 4.2 अप टू क्वेश्चन 2 ऑन फेयर नोटबुक. अब आप बुक्स ले लें, नोटबुक फेयर होनी चाहिए, शुरू कर दें अपना काम सारे बच्चे. ओके, बी एट होम, बी सेफ, थैंक यू सो मच.